जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है यार, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी वजह है कि यार किसी ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार दी थी और उसके बाद 7 डेज़ का मुझे टाइम मिला था। उसके बाद मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हुआ। वो ये ले चलता हूँ आपको अपने कंस्ट्रक्शन के काम पर, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। सबसे पहले जी सेठ साहब बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यार माशाल्लाह से हमारा जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फ्रंट हम इसलिए भी नहीं छेड़ रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़रा तीनों घरों का फ्रंट कैसा बनाए। तो जी ये है जी टीवी लॉन्च। ये वॉल्स हैं, ये मैसे से निकालेंगे क्योंकि जी सर्दियों में घर तैयार हुए हैं तो आपको पता है दीवारें जो हैं गीली होती हैं, तो इसलिए हमने सपोर्ट के लिए भी ये दीवार नहीं गिराई। आगे चलते हैं जी। ये बेड बनाया हमने, यहाँ पे खिड़की आएगी और ये इधर हमने बात दिया। ऐसा जब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा खास, लेकिन घर हमारा जो है ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ यार। ये ऊपर जाते हुए कुछ ऐसी लुक देता है यार। इसी तरह यार ये भी जो है खिड़की छोड़ी हुई है हमने, और जैसा कि आपको बताया ये भी वॉल हमने छोड़ी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं यार पाइपिंग वगैरह हो गई है सारी, सीवरेज का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ साथ ये ऊपर बेड है, ये खिड़की छोड़ी हुई है और ये मीडिया वॉल है रूम की, लेकिन इधर से हमने रास्ता छोड़ा हुआ था ताकि जो मज़ीद काम है साथ वाले घरों के वो भी होते रहे। इसी तरह ये वॉशरूम ऊपर वाला। सबसे जो अच्छी चीज़ और मेन चीज़ जो आपको क्लियर होगी वो ये है जी, हमने जो है ममटी हमने बहुत प्यारी करके बनाई है। अगर आप देख सकें, हमने इसमें असल में सोचा ये कि यार इसको पूरा एक हॉल बनाया जाए ऊपर, ये एज आ ममटी भी यूज़ हो सकती है, आप देख सकते हैं, और एज आ कमरा भी हॉल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो उसके साथ हमने सोचा गया इसके साथ वॉशरूम भी दे दिया जाए, तो यहाँ पर हमने एक वॉशरूम भी दे दिया जो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ यार ये जो है इस वक्त 3 मंजिला घर की लुक देता है ममटी बनने के बाद, काफ़ी खूबसूरत बनेगा अल्लाह ने चाहा तो। यार ये कुछ ऐसी लुक दे रहा है यार इधर ऊपर से, मैं कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ के आपको दिखा सकूँ यार। जी तो भाई साहब आप देख सकते हैं यार ममटी पे, इस वक्त हम ममटी पर चढ़े हुए हैं। अच्छा यार हमारे इस वक्त तकरीबन इर्द गिर्द हमारे सबसे टॉप पे जो बिल्डिंग है इस वक्त वो हमारी ही है। तो भाईजान अब लगेगा पता कि कस्टमर इसका क्या रेट लगाता है और किस तरह हमने तो कोशिश की अच्छे से काम किया जाए और अच्छा काम किया भी है। लेट्स सी क्या होगा यार। अब इसके बाद जी हमारी टाइल पत्थर का काम स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद सीलिंग वाले आएंगे, फिर इलेक्ट्रिशियन तारे वगैरह डालेगा और स्विच वगैरह जो हैं फ़ैन वगैरह वो लगेंगे। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो जो मैंने बनाई आपके लिए, और कुछ ये मलबा हमारा पड़ा हुआ है, मटेरियल वगैरह जो हमने ऊपर स्टॉक किया हुआ है। तो इसी तरह मज़ीद अपडेट जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।